फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज वॉल इंडिया का खास शो बॉलीवुड गपशप और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त काजोल नारायण। आपके एंटरटेनमेंट में आज लगने जा रहा है नया तड़का, तो हो जाइए तैयार देखने के लिए बिग बॉस के फिनाले से पहले कैसे इमोशनल हुए घर वाले। एक बार फिर से ऑन स्क्रीन साथ नजर आएगी दीप वीर की जोड़ी। अवनीत लग रही है बेहद हॉट। सोहा की बेटी ने बनाई गोल गोल रोटियां, तो सचिन तेंदुलकर की बेटी है बला की खूबसूरत। बिग बॉस सीजन 14 अपने अंतिम दौर में है। ग्रैंड फिनाले का भी हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जब होस्ट सलमान खान, राहुल वैद्य, निकी तंबोली, अली गोनी, रूबीना और राखी सावंत में से किसी एक को बिग बॉस के सीजन का विनर घोषित करेंगे, वहीं इतने लंबे सफर के बाद पांचों कंटेस्टेंट काफी इमोशनल हो गए हैं। दरअसल बिग बॉस ने पांचों घर वालों को उनकी बिग बॉस हाउस की पूरी जर्नी दिखाई, जिसके देखकर पांचों कंटेस्टेंट काफी भावुक हो गए। राहुल, रूबीना की आंखें अपने सफर को देखकर भर आईं। रूबीना ने सिर झुकाकर बिग बॉस का थैंक यू कहा, तो वहीं अली गोनी, राखी सावंत और निकी तंबोली भी बिग बॉस 14 के हाउस में अपनी जर्नी को देखकर काफी इमोशनल हो गए। सभी ने बिग बॉस को थैंक यू कहा है और इस शो में परफॉर्मेंस और गेम की प्रशंसा की है। दीपवीर की जोड़ी बेहद ही चर्चित जोड़ी में से एक है और अब बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और रणबीर सिंह पांचवी बार साथ में स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाई देंगे। ये पहला बॉलीवुड का रियल कपल है जो लगातार ऑन स्क्रीन काम कर रहा है। रामलीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत और आने वाली फिल्म 83 के बाद दीपिका रणवीर एक और फिल्म में साथ दिखाई देंगे। दीपिका इस फिल्म में एक आइटम नंबर करेंगी। सर्कस एक मसाला कॉमेडी फिल्म है। फिल्म सर्कस को फिल्म मेकर रोहित शेट्टी डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म सर्कस में रणवीर सिंह के साथ वरुण शर्मा, जैकलिन फर्नांडिस और पूजा हेगड़े हैं। ये पहली बार है जब रणवीर किसी फिल्म में डबल रोल करेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस और सोशल मीडिया स्टार अवनीत कौर ने एक बार फिर अपने फैंस को खुश होने का मौका दिया है। अवनीत ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर बेहद हॉट तस्वीरें शेयर की है, जिसके बाद से उनके फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। इस ब्लू कलर के डेनिम आउटफिट में अवनीत बेहद खूबसूरत लग रही हैं। उनका ये अंदाज लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है। डांस इंडिया डांस के बाद उन्होंने डांस के सुपरस्टार में भी हिस्सा लिया था। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग के बारे में भी सोचा और वो कई सीरियल में नजर आ चुकी हैं। उन्होंने मेरी माँ टेढ़े हैं पर तेरे मेरे हैं, सावित्री, एक मुट्ठी आसमान में नजर आ चुकी हैं। अवनीत कौर भले ही अभी केवल 19 साल की हो, लेकिन छोटी उम्र में भी उनका स्टाइल और स्टारडम किसी बड़ी एक्ट्रेस से कम नहीं है। बॉलीवुड में सबसे क्यूट स्टार किड्स सोहाली खान और कुणाल खेमू की बेटी इनाया है, जिसे फैंस द्वारा सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। सोहाली खान अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी बेटी की क्यूट फोटोज और वीडियो शेयर करती रहती हैं, जो लाइमलाइट में बनी भी रहती है। हाल ही में सोहा ने इनायक के घर पर रोटियां बेलने का एक प्यारा सा वीडियो साझा किया। पालतू कुत्ते के साथ इनायक फर्श पर बैठी हुई है और रोटी बनाते हुए दिखाई दे रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि नाया अपनी माँ के साथ घर का हाथ बटाने में नजर आएंगी। छोटी सी नाया को रोटी उठाते हुए देखा जा सकता है और इसे फिर से रोल करने से पहले आटे के साथ मिलाते हुए देखा जा सकता है। एक्ट्रेस सोहाली खान इस वीडियो को शेयर करती हुई लिखती हैं, तुम मेरी सब्जी की चपाती हो। इस वीडियो को कुछ ही घंटों पहले शेयर किया गया था और अब तक इस वीडियो को 7 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर सुर्खियां बिटोर रही हैं। आपको बता दें कि सारा 23 साल की हैं और लंदन में पढ़ाई कर रही हैं। सारा और उनके भाई अर्जुन के बीच गजब की बॉन्डिंग देखने के लिए मिलती है। सारा को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना भी काफी पसंद है। अक्सर सारा खुद के और फैमिली के एक से बढ़कर एक फोटो सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करती ही रहती हैं। सारा के इंस्टाग्राम अकाउंट की बात करें तो इस पर लगभग 12 लाख फॉलोअर्स हैं। सारा के इंस्टा अकाउंट पर उन्हें ढेरों फोटोज जिनमें उन्हें स्टाइलिश अंदाज में देखा जा सकता है। सारा की फोटो देखकर अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि उन्हें ट्रैवलिंग का भी बेहद शौक है। साथ ही सारा को फैशन की भी अच्छी समझ है और सारा बॉलीवुड की तमाम खूबसूरत हसीनाओं को मात भी देती हैं। और एंटरटेनमेंट जगत की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।